जी, आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं? क्योंकि जब हम लोनलीनेस पे बात करते हैं, अकेलेपन की बात करते हैं, क्या कुछ लोग अपनी समस्या लेकर आपके पास आते हैं? सॉरी, यस, ऑफ कोर्स. मेरा जो मेन फील्ड है, मैं डी एडिक्शन सेंटर में बहुत काम करता हूँ और मेंटल हेल्थ में काम करता हूँ. लोनलीनेस जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने रिसर्च करा, जो मैंने करा अपने लोगों के साथ काम करता हूँ, ये स्टार्ट हो जाता है इनफैक्ट स्कूल में ही. एंड द मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है थोड़े टाइम के बाद, वो वर्कहोलिक बन जाते हैं या कुछ और बन जाते हैं. बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अभी सोशल मीडिया एक्टिव है, लेकिन इससे पहले भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है लोनलीनेस की. आज ज्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि वो लोनलीनेस का मतलब ये है कि वो लोनली भीड़ में भी अकेला है और अकेले में तो अकेला फील कर ही रहा है वो अपने आप. बिल्कुल. बट वो इंसान अपने दिमाग में पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया लेकर बैठा हुआ है कि अगर उसने ऐसा करा होता, क्यों वो सोशल सोसाइटी में एड्रेस नहीं हो पाता. उसके माइंड में कहीं निग्लेक्ट जो उसने बचपन में फील करा है, शेम, जैसे स्कूल्स में बुली बहुत होता है जो मैं लोगों के साथ काम करता हूँ, सोशल एंजाइटी, स्टेज फियर्स, फिर किसी को कोई स्कूल में कुछ बोलना है वो नहीं बोल पाया कुछ वर्ड, तो वो अपने आप को क्या करता है, ग्रुप से आइसोलेट करना स्टार्ट कर देता है कि वो ग्रुप उसके लिए है नहीं. तो ये एक बहुत बड़ी समस्या दिन पे दिन बने जा रही है. इनफैक्ट मेरे साथ 70-70 एज वाले भी हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी दे फील लोनली, और मेरे पास 15 साल वाले भी हैं जिनका सब कुछ, पूरी फैमिली उनके साथ है बट दे फील लोनली. तो डॉक्टर साहब, ये इसमें इसमें क्या आपको कारण समझ में आता है? क्या कोई कम्युनिकेशन गैप है, उन्हें सुनने वाला कोई नहीं, या फिर वो अपनी बात ही नहीं बताना चाहते हैं? ऑफकोर्स कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि जब वो सुनाते हैं तो जजिंग का बहुत बड़ा एक रोल होता है कि जज करेंगे. बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने कही, क्योंकि ऐसा हर बार हमने देखा है कि जब कोई अपनी समस्या सुना रहा है तो हम उसको जज करने लगते हैं, जबकि एक एक अच्छा लिसनर, कहते हैं कि आज की तारीख में कम से कम इस समस्या की जो अगर समाधान है तो वो है कि आप एक अच्छा लिसनर होइए, जो भी सामने वाले शख्स की इच्छा है बताने की, कम से कम आप उसको सुन ले। मनीषा कोहली जी, इस पर आप क्या कहेंगी? तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन, कोई भी एज पे वो एक फियर बेस्ड रिएक्शन होता है. इट्स ऑलवेज अ रिएक्शन ऑफ व्हाट योर प्रोग्रामिंग इज, एंड एनी काइंड ऑफ फियर जो होता है इज ऑल्सो अ केमिकल इम्बैलेंस अपने ब्रेन में. व्हेन आई से केमिकल इम्बैलेंस, हम लोग वी आर अ सम टोटल ऑफ सारे हॉर्मोन्स जो होते हैं हमारे में. एंड सो जैसे हो गया नोरिपाइन फ्राइन, विच इज अगेन अ लोनलीनेस molecule, was stress related molecule hai. So which is released when there is a lot of stress, and that happens or wo communication bilkul khatam kar deta hai. So then people tend to run, they tend to hide, wo kisi se kuch baat nahi karte. Then oxytocin missing ho jata hai when aap akele rehte ho. Oxytocin is also something very important, wo bonding molecule hai. Then dopamine hota hai. Dopamine will only happen jab you are with people, you are motivated, and wo motivation down ho jata hai. So now all these molecules jo emotion se bahut closely related hai, they all started working together and ultimately it becomes a chemical imbalance in the brain. And ye sab kuch result actually isse hota hai ki something aapne subdue kiya. Fear kya hota hai usually? Fear, why aap bahar kyun nahi jaake kisi se baat karte? Yes, judgment hota hai, but fear also means कि हमें हमें बचपन से कभी सिखाया ही नहीं है हाउ टू मेक फ्रेंड्स. इन अ लॉट ऑफ सोसाइटीज बताया नहीं है हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ 100%. यूजुअली अगर कोई रोता है तो लोग बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा. इंस्टेड अगर वो रो के खत्म कर ले, अपना इमोशन को फील कर ले इन 1 मिनट, वो एक्चुअली विल फील मच बेटर. उसको भी हम एक तरीके से डिटॉक्स ही कहते हैं, क्योंकि आप जब रो देते हैं. और सबसे बड़ी बात डॉक्टर स्वाति, इस पर मैं आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगी. सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपने किसी इमोशन को, चाहे वो अच्छे हैं या फिर बुरे, या फिर कोई ऐसा इमोशन जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर आप उसको किसी के सामने बोल देते हैं, हालांकि डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि अगर कोई नहीं मिला तो आप एक आईने के सामने भी बोल दीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं हल्का फील होना महसूस होगा. क्या ऐसा ये एक थेरेपी काम करती है? यस, हम इसे मिरर टॉक बोलते हैं, जिसमें हम पेशेंट से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी कराते हैं, इसमें मिरर टॉक भी कराते हैं. बेसिकली यू नीड अ गुड लिसनर, यू नीड अ समवन दैट डजंट जज यू. मान लो अगर ये भी बोल रहा है मैं खून करके आया हूं, मुझे उसका बहुत दुख है, तो सामने वाला जज ना करे.
यस सम टाइम बिकम अ गुड लिस्टनर, तभी तो हम लोगों को कहते हैं प्रोफेशनल हेल्प लेने को, वाई वी अफ्रेड फ्रॉम टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प, वी आर नॉट बायस्ड. मिरर टॉक इज वन टाइप ऑफ थेरेपी वे वी यूज फॉर द पेशेंट टू डू द सेल्फ टॉक, सेल्फ अवेयरनेस दैट इज बिल्कुल. नीड फॉर फॉर एवरी वन. समटाइम्स सेल्फ टॉक ऑल्सो हेल्प टू टेक क्लैरिफाई द इमोशंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वन, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डे टू अराउंड फॉर एवरी वन. बट बिल्कुल ये समवेयर वी सक्सीड एंड समवेयर वी डज नॉट. बिल्कुल डॉक्टर निशा, ये इम्पोर्टेंट होता है और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि कम से कम आप अब समझिए खुद को. लेकिन जब हम किसी को कहते हैं, स्पेशली आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इसको बहुत अच्छे से समझा भी सकते हैं, और आजकल तो साइकोलॉजी की नीड मेरे ख्याल से हर क्षेत्र में है, हर जगह पर है. केसेस पहली बात आपके पास कैसे आते हैं, और दूसरी बात ये कि क्या लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उनके अंदर किसी ना किसी तरह की ऐसी लोनलीनेस या फिर अकेलापन है और उनको किसी साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए. क्योंकि हमारे समाज में तो यही धारणा है कि अगर आप उनके पास जा रहे हैं तो आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रख दिया जाएगा. देखिए, डॉक्टर निशा. स्टिग्मा तो एक बहुत बड़ा है, और रही बात जैसे कि मैं मैरिटल डिस्प्यूट्स करती हूँ और यहाँ मेरे पास डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी के पेशेंट्स आते हैं या सुसाइडल पेशेंट्स आते हैं, तो मोस्टली आप अगर मैरिटल डिस्प्यूट में, मान लीजिए अगर किसी का इनफिडेलिटी का इशू है या हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट फाइट्स होती हैं, तो ऐसे केसेस में, या अगर पति बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है तो वुमन अकेली रह रही है, तो वो लोनलीनेस से सफर कर सकती है. उसका सोशल सर्कल नहीं है, उसकी कोई हॉबीज नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है. अगर फैमिली है तो फैमिली के 2 या 3 मेंबर से बात करना, अगर ऐसे हालात है तो डेफिनेटली आप मान सकते हैं कि पर्सन लोनलीनेस से गुजर रहा है. जैसा कि मैंने बोला, एक साइकेट्रिक इलनेस जिसको रिसर्च बोलती है कि वो मेन सिम्टम माना जाता है और बहुत डीप रूटेड होता है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसे हम आम भाषा में ये भी बोलते हैं वॉकिंग ऑन एग्शेल्स. आप ऐसा इंसान ओवरली सेंसिटिव होता है, और जब इंसान ओवरली सेंसिटिव होता है हर छोटी से छोटी बात को दिल पर लेता है और उसको पकड़ के बैठे रहता है. जैसा ये डॉक्टर साहब ने बोला कि बचपन में अगर किसी ने कुछ किया था उस बात को एक है हम दिल पर ले लिया, और वक्त आकर अगर गुस्से में किसी को निकाल भी दिया तो आपकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी. रही बात डॉक्टर स्वाति, शायद वो सेल्फ टॉक की बात करती है, मैं उसे मोटिवेट नहीं करती क्योंकि ये सेल्फ टॉक कई बार स्किजोफ्रेनिया जैसी बीमारी या हेलुसिनेशन या डिल्यूजन में बदल जाती है या सेल्फ मटरिंग के सिम्टम्स को जाती है. मैं कभी भी बोलती हूँ आपके पास कोई दोस्त नहीं है, अपने दिल की बात पेपर पर लिखिए और बिना पढ़े फाड़ कर फेंक दीजिए. अगर आपको लगता है आपको कोई नहीं ये समझता भी एक तो इस बहुत दुनिया में अच्छी सबसे पहला ये भी एक बहुत अच्छा पहले आप सोल्यूशन हो खुद को सकता है. मैं डॉक्टर समझने साहब की लौटती हूँ, जरूरत जरा सुभाष अन्ना जी से बात करूंगी एक बार. सुभाष जी, जो लोग आपके पास आते हैं सबसे पहले आप किस तरह से उनको ट्रीट करते हैं? तो सबसे फर्स्ट मेरा लिसनिंग, मैं सुनता हूं उनकी बात, एंड हाँ, सुनते ही जो सबसे 2 मिनट इम्पोर्टेंट में है. सबसे इम्पोर्टेंट एंड विदाउट जजिंग. एंड मोस्ट ऑफ द क्लाइंट माई सेज के सर आप मुझे समझ पा रहे हो, जस्ट लिसनिंग. और वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कहीं ना कहीं. एग्जैक्टली. एंड द प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि ही और शी फील कि नोबडी इज देयर फॉर मी एंड कोई मुझे समझ, मेरे अधिकतर क्लाइंट्स एक ही वर्ड बोलते हैं, कोई मुझे समझता नहीं है. एग्जैक्टली. एंड दैट स्लोली स्लोली मैं उनको कन्वर्ट करता हूँ कि आप अपने आप को समझो. अभी जो बात चल रही थी कि बिकॉज लोनलीनेस क्रिएटेड डिप्रेशन ऑल्सो, एंड डिप्रेशन क्या है, अंदर कुछ चीजें हैं जो उसे एक्सप्रेस करनी है तो कर ही नहीं पा रहे, कहीं भी एक्सप्रेस कहाँ करे वो. तो उसके लिए वी डू एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स राइटिंग वर्क एक वन ऑफ द बेस्ट वर्क, कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, बहुत सारे थॉट चल रहे हैं, जस्ट राइट डाउन योर थॉट एंड उसे पढ़ दो. और ऑफकोर्स बात करो लोगों से, अपनी चीजों को, अपने इमोशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल. द पीपल आर रिएक्टर एंड वी टीच के एक्ट करना है, नॉट रिएक्ट.